बिहार के नेता प्रतिपक्ष और लालू के छोटे लाल तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया। तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार से लौटने के बाद पटना एयरपोर्ट पर कहा कि देश के पीएम नकली ओबीसी हैं। इसी पर राजनीति शुरू हो गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आरजेडी एक दलित विरोधी पार्टी है। उनको लगता था कि पिछड़ों के वोट पर उनका एकाधिकार है और अति पिछड़ों को उन्होंने अपना बंधुआ मजदूर बनाकर रखा था, और आज जब पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है तो इनको जलन हो रही है, इनको परेशानी हो रही है। और आपको बता दें कि ये पूछ रहे हैं कि पीएमओ में कौन है पिछड़ा, तो नरेंद्र मोदी जी का जो प्राइवेट सेक्रेटरी है, जो उनका निजी सचिव है, वो आदिवासी समाज से आने वाला राजीव टोपनो जो है उनका प्राइवेट सेक्रेटरी है। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार है जिन्होंने बिहार के भगवान लाल साहनी को पिछड़ा वर्ग आयोग का और अध्यक्ष बनाया है? यह नरेंद्र मोदी की सरकार है जिन्होंने पिछड़े वर्ग के वर्गीकरण के लिए अलग से आयोग का गठन किया है? ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिन्होंने पिछड़े वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है? ये नरेंद्र मोदी की सरकार है कि द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला को झारखंड का राज्यपाल, सत्यदेव नारायण आर्य जो दलित समाज से आते हैं और बेबी रानी मौर्य जो रविदास समाज से आती है उनको हरियाणा और उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया, गंगा प्रसाद चौरसिया एक अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को उन्होंने सिक्किम का राज्यपाल बनाया, तो इन लोगों की कठिनाई यह है कि इन लोगों ने तो कुछ किया नहीं और एक एक करके सारी अति पिछड़ी जातियों ने राजद का साथ छोड़ दिया, और इसी गुस्से में उन्होंने केवल एक टिकट दिया है। राष्ट्रीय जनता दल ने जो 17 टिकट दिया उसमें अति पिछड़ा समाज को केवल एक टिकट दिया है। साथ ही साथ चिराग पासवान ने भी तेजस्वी यादव को नसीहत दी है कि भाषा पर नियंत्रण रखें, प्रधानमंत्री पर ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। देखिए, जैसा मैंने कहा कि वो मेरे छोटे भाई हैं और उनको जानकारी का हमेशा अभाव रहता है। मुझे लगता है ये तमाम ऐसी चीजें जो पब्लिक डोमेन में है और ऐसी चीजों पर बहरहाल पहली बात तो राजनीति होनी नहीं चाहिए, और इस तरीके के सवाल पूछकर किसी की जाति पर सवाल उठाना मुझे लगता है ये अपने में ही बहुत गलत सवाल है। ओबीसी का सिक्का उछालकर तेजस्वी ने पीएम पर करारा हमला बोला है, लेकिन सवाल ये है कि क्या तेजस्वी अब इसे अपने चुनावी रैलियों में भी उछालेंगे? अगर पीएम मोदी ने ओबीसी के मुद्दे को उठाया तो ऐसा भी हो सकता है कि तेजस्वी का ये मुद्दा बैकफायर हो जाए, लेकिन आगे क्या होगा उसके लिए अभी इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।